हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। और आज जो मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ, ये एक्चुअली एक मंदिर है हमारे पास में, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। ये है बहुत फेमस कालका जी का मंदिर। तो हम यहाँ के लिए यहाँ आए हुए हैं। हम सुबह में अराउंड 6:30 बजे करीब निकले थे और अब हम पहुँच चुके हैं। तो ये जो आपको ऑरेंज साड़ी में आगे की तरफ जाती हुई दिख रही, ये मेरी मम्मी हैं। तो हम लोग यहाँ पर आए थे। तो एक्चुअली क्या है, हम इसको बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो एक्चुअली हम मेरी मम्मी हर अष्टमी को आती हैं, हर महीने की अष्टमी को इस पर। तो अष्टमी पे तो मम्मी ने बोला, मैंने बोला मुझे भी जाना है। तो मम्मी ने बोला अष्टमी पे बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, अगर तुम्हें भी जाना है तो हम अगले दिन चलते हैं, उस दिन कम भीड़ मिलेगी। लेकिन उस दिन भी बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। अभी यहाँ पे तो आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अंदर बहुत ज़्यादा थी। तो ये जो आपको सीन दिखाई दे रहा है, इसमें आपको कुछ दूर पैदल चलना पड़ता है, फिर आपको जो मेन मंदिर है वो दिखाई देता है, वहाँ पर जो माता है उनके दर्शन होते हैं। और इस साथ और ये जो साइडों में स्टॉल्स लगे हुए हैं, यहाँ पे बच्चों के खिलौने वगैरह कुछ कुछ ऐसी चीज़ें भी मिलती हैं, और जो प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं वो सब भी मिलता है। तो अभी तो हम बस पैदल ही चलते जा रहे हैं। और ये मैंने थोड़ा अंदर का सीन रिकॉर्ड किया है। एक्चुअली बहुत भीड़ थी, मुझे पसीने आ रहे थे, बस मैं थोड़ा ही रिकॉर्ड कर पाई थी, क्योंकि अंदर जहाँ हम दर्शन करने के लिए जा रहे थे वहाँ का सीन है। तो वहाँ मैं बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बहुत भीड़ हो रही थी। और अभी फिर अब ये हम बाहर आ चुके हैं। जो मेन मंदिर था, हमको माता के बहुत अच्छे दर्शन हुए थे, भीड़ थी लेकिन दर्शन अच्छे हुए। और अभी हम वहाँ से बाहर निकल चुके हैं। तो जो मैंने आपको बताया था थोड़ा पैदल चलने का रास्ता है, तो अभी हम उस पर चल रहे हैं। तो देखिए आप इस तरह से ही देखो कितनी भीड़ दिखाई दे रही है, और अंदर तो बहुत ज़्यादा थी। फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे बाहर आते हैं तो बाहर भी कहीं कहीं माता की तस्वीरें रखी होती हैं, क्योंकि अंदर तो इतनी भीड़ होती है, लोगों को इतना टाइम नहीं लग पाता कि वहाँ पर अच्छे से कुछ आरती कर सके, जोत वगैरह लगा सके। तो बाहर की तरफ लोग अपनी ही श्रद्धा से, क्योंकि सारी जगह उन्हीं की होती है माता की, तो वो लोग जोत वगैरह लगाते हैं। तो हमने इस तरह से यहाँ पर पत्थर की साइड में अलग से जोत लगा दी थी। तो यही सब कर रहे थे, और भी आगे जो मूर्तियाँ वगैरह थी वहाँ पर अलग से हमने पूजा वगैरह भी की थी। फ्रेंड्स, हम अभी बिल्कुल बाहर की तरफ आ चुके हैं। तो जब हम जा रहे थे, तो जब तो मैंने आपको अच्छे से स्टॉल वगैरह दिखाए नहीं थे, तो देखिए कुछ इस टाइप का सामान मिलता है, जैसे कि मतलब काफ़ी कुछ चीज़ें मिलती हैं। ये तो एक ऐसे स्टॉल है जिसपे कुछ कुछ भगवान की मूर्तियाँ रखी हुई थी, जो बच्चों के टॉयज़ है वो सब रखे थे। लेकिन हाँ, यहाँ पर ना बहुत ही अच्छे अच्छे जैसे कि आप कुछ फीमेल्स का जो सामान होता है, जैसे कि कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह इस टाइप का भी मिलता है। मैंने तो भी बस इसी का रिकॉर्ड किया था, बहुत सारे स्टॉल थे उनका नहीं किया था। एक्चुअली हमारे साथ में हमारी चाची भी आई हुई थी, तो वो यहाँ पर कुछ देख रही थी सामान, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ। देखिए कितना कुछ ऐसा इस टाइप का मिलता है यहाँ पर। और अभी हम बिल्कुल बाहर के हिस्से में ही आ गए हैं। तो यहाँ पर जैसे बाहर शॉप्स थी, तो वहाँ पर हमने अपने स्लीपर्स निकाले थे, तो वो हम अभी उनको वहाँ से पहनेंगे। और पता है जो मेरी मम्मी है वो यहाँ पर स्लीपर्स पहन के शुरू से ही नहीं आती, मतलब हमने तो क्या किया यहाँ पर आकर स्लीपर्स उतार दी थी, लेकिन जो मेरी मम्मी है जब वो मतलब वो पहन कर ही नहीं आई थी स्लीपर्स, वो कहते हैं कि उनको मतलब नंगे पैर ही चलना है, तो वो नहीं पहनती। तो मैं और जो मेरी चाची थी वो पहन के आए थे, यहाँ निकाल दिए थे। और अब हम फिर से हम बाहर की तरफ आ गए हैं। हम ऑटो में आए थे एक्चुअली, तो अब हम यहाँ पर ऑटो हायर करेंगे, फिर हम ऑटो से जाएंगे।
कहाँ? अच्छा अभी करेंगे सर ना। फ्रेंड्स अभी हम बस पहुंच ही गए हैं घर। एक्चुअली ऑटो से उतर के कुछ दूर पैदल चलना है ना, तो अभी वही सीन चल रहा है। फ्रेंड्स हम अभी अभी मार्केट से आए हैं और अभी खाने की तैयारी हो रही है, तो अभी कुछ कुछ खाना बनेगा वो मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगी कि रिकॉर्ड करेंगे। और आज रात को हम हरिद्वार के लिए निकलने वाले हैं, रात को या फिर कल सुबह में, अभी ऐसे कुछ फिक्स नहीं है, बट हम उसके लिए अभी से पैकिंग कर लेंगे क्योंकि मतलब वहाँ के लिए कुछ कुछ सामान रखना होता है तो उसकी पैकिंग करेंगे। तो अभी मैं आपको लेके चल रही हूँ किचन में, वहाँ पर मैं आपको मिलवाऊंगी अपनी भाभी से जो कि बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, सभी उनके खाने की बहुत तारीफ करते हैं। तो मैं अभी आपको किचन में लेके चल रही हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स ये है मेरी भाभी, हाय बोलो भाभी। और अभी क्या कर रही हैं भाभी बताइए, आज आप खाने में हमको क्या खिलाने वाली हैं? वेज बिरयानी। वाओ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं अपने भाभी के हाथों की स्पेशल वेज पुलाव की रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ क्योंकि बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। तो ये यूज़ कर रही हैं सोयाबीन, मटर, फूल गोभी, पोटैटो और अनियन, जैसा कि आपको दिख रहा है कि इन्होंने इन सबको पहले से ही काट के रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स पहले आपको थोड़ा ऑयल डाल लेना है, उसमें आपको जीरे का छौंक लगा देना है, जो प्याज है उनको फ्राई कर लेना है और उसके बाद आपको सोयाबीन डाल के उनको फ्राई कर लेना है। और जब आपके सोयाबीन फ्राई हो जाए हैं तो उसके बाद जो भी आप वेजिटेबल्स ले रहे हैं जैसे कि पोटैटो है, पी है और आपका गोभी है, उनको डाल के उनको भी फ्राई कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपको ये सब करना है। उसके बाद जो आपने राइस पानी में साफ़ करके रखे हुए हैं उनको डाल देना है। और इसमें जो स्पेशली यूज़ करती हैं मसाले, एक तो ये यूज़ करती हैं आपका जो पाव भाजी का मसाला आता है वो डालती हैं, और एक पिंच कसूरी मेथी। ये कहती हैं कि जो आपका कसूरी मेथी है उसे बहुत ही अच्छा फ्लेवर और एक बहुत अच्छी स्मेल हो जाती है आपके जो आपका वेज पुलाव बनता है। तो आपको ये इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके आपको ज़रूर बना के देखना चाहिए। और सीटी लगाने से पहले इसमें आप एक चम्मच अगर आप देसी घी डाल देते हैं तो उससे जो आपके चावल हैं बहुत ही अच्छे बनते हैं, आपस में चिपकते नहीं हैं और मतलब बहुत ही अच्छे बनते हैं इनका कहना है। तो आप ऐसे ही मतलब आप ज़रूर बना के देखें, हमें तो बहुत अच्छा लगता है इनके हाथ का खाना, आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। भाभी को बड़े पसीने कराओ मुझे। फ्रेंड्स अभी यहाँ पर मेरी भाभी आलू गोभी की सब्ज़ी बना रही हैं क्योंकि जो मेरे पापा जी हैं वो राइस नहीं खाते हैं, तो वो यहाँ पर सब्ज़ी बना रही हैं आलू और गोभी को फ्राई करके। ये वाली सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी, मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी, उसका दिखाया नहीं था आपको। और अभी ये लोग जैसे जो जलेबी आई हुई है, मीठा खाने का मन था मेरी सिस्टर का बहुत ज़्यादा, तो उनके लिए स्पेशली मंगाई थी, तो अभी वही सब कर रहे हैं। और इसके बाद हम लोग पैकिंग करेंगे। अच्छा ये बताओ आप मुझसे गुस्सा हो रहे हो? नहीं तो। तो मेरी बातें क्यों नहीं मान रहे हो? पापा इस कान से बड़ा पैर फोन दो की। फ़ोन तो नहीं मिलेगा क्योंकि अच्छा हमारे जो हमारे व्यूअर्स उनको बता दो हम रात में टेंपल जा रहे हैं। हम रात में टेंपल जा रहे हैं इसलिए मम्मा को फ़ोन चार्ज करना है। मम्मा को फोन जब चार्ज करते क्योंकि लाइट भी नहीं आ रही है, बहुत कम बैटरी है। और मम्मा आपको फ़ोन दे देगी तो मम्मा वहाँ पर रिकॉर्ड क्या करेगी, है ना? बाद में ले लेना तो फिर फोन। नहीं बाबू ज़रूरत है, मैं आपको फ़ोन दिखाती नहीं हूँ क्या? हाँ तो फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया कि हम हरिद्वार जाने वाले हैं, तो अभी हमने सामान पैक कर लिया है, अभी हम रात में 2 बजे के करीब निकलने वाले हैं। जैसे मैंने दिखाया खाने में हमने राइस बनाए थे,
तो अभी वही सब खा रहे हैं। सैंडी के लिए स्पेशली रोटी बनी है क्योंकि वो राइस खाना ज़्यादा पसंद नहीं करता है ना, और वो रोटी भी नहीं खा रहा है, तो इसलिए भी मैं फ़ोन नहीं दूंगी। क्या हुआ राजा? मैं हूँ राजा। अच्छा आप हो राजा। अच्छा मैं राजकुमार और ये डाली वाला राजा। नहीं वो भी राजकुमार है मेरा, ये राजा है। अच्छा तो हमारे फ्रेंड्स को बोल दो, फ्रेंड्स हमारे ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं आपको? नहीं पसंद आ रहे हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा, और ऐसे नहीं बोलते फ्रेंड्स, अगर हमारे ब्लॉग्स आपको पसंद आ रहे हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और ब्लॉग्स देखने के लिए हमसे कनेक्टेड रहिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? एंड हाँ, यहाँ पर मैं एक बात वो मुझे बताना भूल गई, मैं मुझे कमेंट आया कि हमें आपकी जो हेल्थ वाली जो वीडियोस थी वो ज़्यादा पसंद थी, हमें इस टाइप की वीडियोज़ नहीं देखने। तो एक्चुअली क्या है ना, अभी जैसे मैं रहने के लिए आई हूँ तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि आस पास में मतलब कभी कोई बच्चा घूम रहा होता है, कभी कुछ हो रहा होता है। बाबू दो मिनट, तो यहाँ ऐसा कोई मुझे स्पेस ऐसा नहीं लगता कि मैं कहीं बैठ के एक मतलब शांत जगह पे आपको हेल्थ के बारे में कुछ बता पाऊँ, क्योंकि ये लोग रिकॉर्ड ही नहीं करने देते ऐसा कुछ, ठीक है? तो फिर मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर व्लॉग्स अच्छे बन सकते तो वो अपलोड कर देती हूँ, लेकिन हाँ डेफिनेटली मैं आंटी नहीं, मैं आपकी छोटी बुआ जी हूँ ना। राजा ऐसे नहीं करो ना, मुझे बोलने दो। आप देखिए, आप खुद ही देखिए, सॉरी आप खुद ही देखिए। अच्छा हाँ सैंडी, आप खुद ही देखिए। क्या ऐसे उसमें मैं आपके लिए हेल्थ की वीडियो अगर अपलोड करूँगी तो आपको कुछ समझ में भी नहीं आने वाला, ठीक है? क्योंकि ऑब्वियसली कभी पीछे शोर आ रहा है, कभी कुछ कुछ हो रहा है, तो मैं इसलिए व्लॉग्स जो मैं रोज़ रोज़ व्लॉग्स इसीलिए डाल रही हूँ क्योंकि वो आसानी से रिकॉर्ड हो रहे हैं, ठीक है? लेकिन हाँ मैं कुछ टाइम के बाद हेल्थ की वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी। नो 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 नो, क्योंकि वो डालना मुझे भी अच्छा लगता है, ठीक है? तो आप ऐसा मत सोचे कि मतलब मुझे कमेंट आ रहे हैं कि हमने तो कुछ और सोच के आपका जो चैनल सब्सक्राइब किया था और हमें देखने को वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तो ऐसा नहीं है। मैं हर टाइप वीडियोस अपलोड करूँगी, मैंने स्टार्टिंग में भी किया था, तो मैं हेल्थी वीडियोस भी डालूँगी और साथ में व्लॉग्स भी डालूँगी, ठीक है? तो मेरे साथ कनेक्टेड रहिए, ठीक है? मुझे लगा था कि जो व्लॉग्स है वो भी शायद आप लोग इन्जॉय करेंगे, बट एनीवे चलो ठीक है, जैसा भी है अभी तो व्लॉग्स ही आएंगे, कम से कम 5-6 दिन तो व्लॉग्स आएंगे। अभी मैं यहाँ रुकूंगी ना, संडे तक तो व्लॉग्स आने वाले हैं। राजा ऐसे नहीं करो आप, ठीक है? और हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो जरूर लाइक कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।